बदला गया है। अब रेजिडेंसी कोठी छत्रपति शिवाजी कोठी के नाम से जानी जाएगी। मेयर इन काउंसिल की बैठक में यह अहम फैसला हुआ। 204 साल पहले रेजिडेंसी कोठी का निर्माण हुआ था। यहां 1857 की क्रांति के दौरान बगावत हुई थी। वहीं रेजिडेंसी कोठी का नाम बदले जाने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने रेजिडेंसी कोठी का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में वोट बैंक के लिए छत्रपति शिवाजी के नाम पर रेजिडेंसी कोठी का नाम रखा गया है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी दर्शन के बाद अब एक्शन हो गया है। प्रशासन ने कर्मचारी को हटा दिया है, साथ ही गृह निरीक्षक को भी नोटिस दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के बेटे के वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल हुआ था। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में शिंदे के बेटे और उसकी पत्नी समेत चार लोग 6 मिनट तक रहे थे। तो बता दें आपको कि ये तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया था कि वीआईपी एंट्री कैसे हो गई, जब गर्भगृह में प्रवेश पर बैन लगा हुआ है पिछले एक साल से। सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और दो अन्य लोग, चार लोग ये करीब 6 मिनट तक गर्भगृह के अंदर रहे और इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया, बवाल मच गया, जिसके बाद अब एक्शन लेना शुरू किया गया है। भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बीजेपी के सक्रिय सदस्यता का रिन्यूअल कराया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सारंग ने कांग्रेस पर हर बात पर सियासत करने के आरोप लगाए, साथ ही कांग्रेस से 15 महीने की कमलनाथ सरकार को लेकर सवाल किया और कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार प्रदेश में खाद की किल्लत को कम करने पर जुटी है। बैतूल में बंद रास्ते को खोलने की मांग को लेकर लोगों ने चक्का जाम किया। दौरान बैतूल आमला मार्ग पर आवाजाही बाधित रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट ने 50 साल पुराने एक रास्ते को बंद करवा दिया था। इसे खोलने की मांग को लेकर लोगों ने चक्का जाम किया। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां नारायणपुर में अभूजमाड़ के मोहंदी में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। घायलों को लेने जिला अस्पताल से एम्बुलेंस रवाना की गई है। चार जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है। घायलों को मौके से एयरलिफ्ट करने की जानकारी भी मिल रही है। तो नक्सलियों ने यहां पर ब्लास्ट किया है मोहंदी में और चार जवान घायल हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि कंफर्म इसे नहीं किया गया है अभी तक और घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, ये भी सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर नारायणपुर से आपको बता रहे हैं, जहां अबूझमाड़ के मोहंदी में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। घायलों को लेने जिला अस्पताल से एम्बुलेंस रवाना की गई। चार जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घायलों को मौके से एयरलिफ्ट करने की जानकारी मिल रही है। तो चार जवान घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कराया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। कितने जवान घायल हैं ये कंफर्म अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन चार हुए हैं घायल, इसकी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। और अबूझमाड़ में मोहंदी में ये नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है, जिसमें घायल जवानों को एयरलिफ्ट कराया जाएगा ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके और घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस भी रवाना कर दी गई है। तो नक्सलियों पर लगातार ऑपरेशन में कामयाबी मिल रही है, इससे बौखलाए कुछ नक्सलियों ने यह हमला किया है, ये कहा जा रहा है।
अगली खबर शाजापुर से है, जहां बीजेपी के सांसद उमेश नाथ महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। भारत सदैव हिंदू राष्ट्र रहा है और आगे भी रहेगा। जिन्हें हिंदू राष्ट्र होने पर संशय है वो पलायन कर ले। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की आवश्यकता नहीं है, भारत में हिंदू रहते हैं, यहाँ परंपरा सनातन की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं उमेश नाथ महाराज, वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं संत उमेश नाथ जी महाराज। और ये हिंदू राष्ट्र है, आगे भी रहा है, पीछे भी रहेगा और अभी भी हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पूरे देश की सनातन परंपरा है, या कोई मांग करने की आवश्यकता नहीं। हम हिंदू है तो है, उसमें क्या संशय है। बोलिए उमेश नाथ जी महाराज की। गैंगस्टर विक्रम राणा को पुलिस ग्वालियर लेकर आई है। राजस्थान के भरतपुर से गैंगस्टर विक्रम राणा